फाइनली यहाँ पर पठान का डे 5 बॉक्स ऑफिस कलेक्शन का फुल डेटा निकल के आज कर भाई देखो, जैसा मैंने लास्ट वीडियो में कहा था ना भाई, एक्यूरेट अर्ली एस्टिमेट जो बताया था ना भाई, एकदम सेम टू सेम वही है। जैसा कि मैंने बताया था कि भाई ओवरसीज से ये 40-40 करोड़ के आसपास ग्रॉस कमा सकती है भाई, तो इसने 41-41 करोड़ कमाया। उसके बाद इंडिया से बात करें तो इसने 71 करोड़ 50 लाख रुपये कमाए। अगर टोटल हम लोग राउंड फिगर कर दें तो कल मैंने बताया था 112 करोड़ 50 लाख, बट इसने 50 लाख ज़्यादा कमा लिया। मैंने कहा था कि थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो सकता है, तो इसने टोटल इंडिया और ओवरसीज से मिला के ग्रॉस कलेक्शन डे 5 में 113 करोड़ रुपए कमा लिए भाई। और भाई जब बात करें अगर डे 6 के बारे में भाई, तो डे 6 का ना बहुत ही मेरे को गड़बड़ चीज लग रहा है। अब गड़बड़ ये क्या लग रहा है, कल रात को जो मतलब जो मैंने वीडियो बताया था वीडियो में कि रात का जो डेटा 12 बजे तक का दिया था 5 करोड़ समथिंग 13-14 लाख का एडवांस बुकिंग था भाई, लेकिन उससे ऊपर आंकड़ा बढ़ नहीं रहा है भाई। अभी तक कोई अपडेट नहीं आया, 5 करोड़ 13-14 लाख के आसपास में ही फंसा हुआ है। अब पता नहीं चल रहा एक्चुअली में कि मंडे है इसलिए लोग नहीं देखने जा रहे, कुछ तो बढ़ना चाहिए था यार। रात से जो डेटा है अभी तक सेम डेटा है, मतलब कुछ उतार चढ़ाव नहीं हुआ भाई। तो सच में यार मेरे को डर लग रहा है कि आज ये कितना कमा सकते हैं। तो मेरे हिसाब से आज का दिन ना भाई इसके लिए थोड़ा सा डाउन हो सकता है भाई, आज क्या और 2-3 दिन डाउन हो सकता है जब तक फ्राइडे नहीं आता या थर्सडे नहीं आता, तो ये थोड़ा बहुत डाउन चलेगा। तो मेरे हिसाब से अगर प्रिडिक्शन करें तो आज का मतलब डे 6 पठान मतलब कम से कम एटलीस्ट 20 करोड़ तो कमा सकती है भाई मेरे हिसाब से, क्योंकि जिस हिसाब से यहाँ पर हम लोगों ने एडवांस बुकिंग देखा भाई, कल मैंने सोचा था कि भाई ये सुबह उठूंगा तो 15 करोड़ एटलीस्ट जाएगा एडवांस बुकिंग, लेकिन उतना तो नहीं गया, बट 5 करोड़ है, हो सकता है थोड़ा बहुत अब जा भी सकता है या नहीं, अब देखते हैं कि काउंटर में टिकट लोग कितने लेते। तो भाई मेरे हिसाब से ये डे 6 में टोटल 20 करोड़ का आंकड़ा क्रॉस कर सकती है भाई। तो फाइनल रिपोर्ट जो भी होगा मैं रात को शेयर करने की कोशिश करूंगा। तो चलो आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।